खबर जसपुर से है, जहां पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली आशा किरण लगातार वेतन वृद्धि की मांग सरकार से कर रही हैं। वहीं जसपुर में भी आशा कार्यकर्ताओं ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, उसके बाद 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन का अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद कल से आशा कार्यकर्ताओं ने जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर बैठ गई। इसका आज दूसरा दिन भी धरना जारी रहा। मीडिया से रूबरू होते हुए जसपुर आशा यूनियन की नगर अध्यक्ष बबीता कश्यप ने बताया कि सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मांग 3 साल से चल रही है, मांग तो हमारी शुरू से चल रही है जब से हम आशा में लगे हैं। हमारा जो है मतलब बार बार ये घोषित कर देते हैं, पिछले 2021 में हमें इतना आश्वासन दे देता कि तुम्हारा 6,000 हमारा मानदेय कर दिया है वो मिल जाएगा, वो आज तक नहीं हुआ। 3 साल हो गए इस बात को घोषित करते हुए, और हर बार नई नई बात निकालती है सरकार, आशाओं के लिए कुछ नहीं करती है। और पैसा भी हमारा 3-3 महीने में डलता है, स्टॉक लग लग के पैसा डलता है, हर महीने पैसा भी नहीं आ रहा। आज से कल तक मतलब हमारा धरना है, और उसके बाद में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम देहरादून भी जाएंगे, और हमारी धरना मतलब चलता ही रहेगा।